कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि किसान मजदूर पर वार से देश विरोधी ताकतों को फायदा होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार ट्वीट कर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, इससे फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि किसानों को डराना धमकाना महापाप है। उन्होंने ट्वीट किया, किसान का भरोसा देश की पूंजी है, इसके भरोसे को तोड़ना अपराध है, उनकी आवाज ना सुनना पाप है, इनको डराना धमकाना महापाप है, किसान पर हमला देश पर हमला है, प्रधानमंत्री जी देश को कमजोर मत कीजिए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।